एक पिता को अपने पुत्र का झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना पड़ गया। महंगा धोना पड़ा अपने पुत्र की जान से हाथ। मामला हमीरपुर जिले की सरीला तहसील के उपरेहका गांव का है। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार 22 पुत्र श्री जयपाल सिंह को एक झोला छाप डॉक्टर रामलखन सैनी सुनील को एक इंजेक्शन लगाया जिस कारण वो बेहोश हो गया। जब सुनील को राठ के सरकारी अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला दिनांक 28/7/18 की समय लगभग दोपहर 12 बजे का है। सुनील को कोई खास बीमारी नहीं थी, उसे खांसी और बुखार ही था जिसका इलाज करवाने वो आया था। गांव के अधिकतर लोग उसी डॉक्टर से इलाज करवाते थे। अब छोला छाप डॉक्टर फरार है। मृतक के पिता ने बताया कि उसके पुत्र को कोई ऐसी खास बीमारी नहीं थी जिस कारण उसकी मौत होती। उसके पुत्र को खांसी और जुखाम था जिसका इलाज करवाने के लिए वह पड़ोस के ही गाँव में छोला छाप छाप डॉक्टर के यहाँ ले गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया जिस कारण वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो उसके पिता को फोन लगाकर जानकारी दी, जिस पर तुरंत पिता डॉक्टर के पास पहुंच गया। जब मृतक के पिता ने कहा कि इसकी तो सांस नहीं चल रही है तो डॉक्टर ने उसे कहा कि इंजेक्शन का असर है, आप इसे सरीला या राठ इलाज के लिए ले जाए। पिता तुरंत अपने पुत्र को इलाज के लिए CHC राठ लाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पिता झोला छाप डॉक्टर के ऊपर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगा रहा है। झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार चल रहा है। डॉक्टर साहब, एक मामला है अभी आपके यहाँ, बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई, क्या मामला? सुनील कुमार पुत्र जयपाल, उम्र करीब 24 साल, उत्तराखंड के रहने वाले पेशेंट आया था जो यहाँ वांटेड लाए गए थे। तो उनके पिताजी से जानकारी ली गई तो पता चला कि उन्हें कल बुखार था और उन्होंने झोला छाप डॉक्टर से ला लिया, कुछ इंजेक्शन लगाए थे जिससे मौत हुई। तो यहाँ पे जब आए वो डेड, हाँ वहाँ जो ब्रॉड डेड।